हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सुदीप और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, मैं रूम में हूँ तो मैं सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो बना लेता हूँ। मैं सोच रहा था जून महीना का 8 से 10 तारीख के अंदर या तो 6 से 10 तारीख के अंदर मैं एक वीडियो बनाऊँगा सैलरी शीट के बारे में। लेकिन गाइस, एक्चुअली बहुत सारा मेरे को कॉमेंट आता है सैलरी के बारे में कि आपका क्या सैलरी है। तो गाइस, इस सैलरी अभी आया नहीं है, फिर भी मैं एक मतलब सैलरी के बारे में आप लोग के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सैलरी के बारे में पूछना ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। सबका सोच अलग अलग रहता है और विचार अलग अलग रहता है। किसको पहले कंपनी में काम चाहिए और किसको पहले सैलरी चाहिए, और खुद का एक्सपीरियंस क्या रहता है उसका बारे में भी आपको अपने आप को जानना चाहिए और जनरल नॉलेज रखना चाहिए कि मैं अगर होनपेक चलाऊंगा, अगर होनपेक में मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा तो वो कंपनी मेरे को क्या सैलरी देगा। जनरल नॉलेज, आजकल वोल्वो चलाओ, स्कानिया चलाओ तो क्या सैलरी मिलता है कंपनी में। वोल्वो से बढ़कर अगर होनपेक चलाओगे, स्कानिया से बढ़कर अगर होनपेक चलाओगे तो होनपेक को सैलरी आपका क्या कितना होना चाहिए और कंपनी कितना देता होगा, ये जनरल नॉलेज रहना चाहिए। मेरे को बहुत सारा कमेंट आता है, सोचा ये जो मई महीना का लास्ट मंथ में जो कमेंट आ रहा है मेरे को सैलरी के बारे में, तो मैं जून महीना, आज तो मई महीना खत्म होने वाला है, कल परसों खत्म हो जाएगा, तो जून महीना फर्स्ट में मतलब 6 तारीख से 10 तारीख के अंदर मेरा सैलरी हो जाता है। मैं सोचा 6 तारीख से 10 तारीख के अंदर अगर सैलरी सीट आ जाए, स्लिप आ जाए, तो मैं एक वीडियो बना लूँगा। तो गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी कितना में ज्वाइनिंग किया था और उससे पहले मैं कितना सैलरी में दूसरा कंपनी में काम कर रहा था। सबका अलग अलग सोच है, मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा सोच के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं क्या किया था और मेरे को मैं कैसे किया और किसको। अलग अलग सोच है, अलग अलग सिचुएशन है, किसका अलग एक्सपीरियंस है वो बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहता है और किसी को नॉलेज भी नहीं रहता है। तो किसको कैसा चाहिए नौकरी और किस टाइप का चाहिए, पहले सैलरी चाहिए कि पहले कंपनी चाहिए। होलपेक अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो तो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, वो बहुत बड़ा कंपनी होता है। तो इस बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि आपको सैलरी कितना मिलता है और कितना में मेरे को पहले कंपनी चाहिए कि पहले सैलरी चाहिए। जनरल नॉलेज रखना चाहिए कि जब हम होलपेक चलाएंगे तो होलपेक वाला कितना मेरे सैलरी देगा। होलपेक कोई छोटा मोटा कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है जो तुमको 10,000 में 18,000 में काम कराया देगा। आजकल वोल्वो और स्कानिया, आज का डेट में अगर स्कानिया चला रहे हो, वोल्वो चला रहे हो, तो वोल्वो में सैलरी कितना मिलता है 8 घंटे ड्यूटी में, तो होलपेक में क्या कितना मिलना चाहिए। सबसे पहले कहीं अगर होलपेक में सेटल होना चाहते हो या तो पहले सैलरी चाहिए। बहुत सारे ऑपरेटर ऐसा है कि उनको पहले सैलरी चाहिए और बहुत सारे ऑपरेटर ऐसा है कि उनको पहले जॉब चाहिए। होलपेक कोई भी कंपनी में होलपेक चल रहा है तो कंपनी आज का 2 दिन के बाद ले टेंडर नहीं चल रहा है, वो कंपनी के ही होलपेक रहता है, वो 2-4 दिन में टेंडर खत्म हो जाएगा, आप चले जाओगे घर, ऐसा नहीं है। इसीलिए पहले कंपनी में आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपका नॉलेज के हिसाब से, आपका एजुकेशन के हिसाब से कंपनी कितना सैलरी देता होगा होलपेक का, होलपेक एक्सपीरियंस कितना है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है, तो आपको सैलरी कितना आना चाहिए। आप होलपेक चलाना चाहते हो तो उनमें सैलरी कितना होना चाहिए। कहीं भी कंपनी में टेंडर में अगर स्कानिया और वोल्वो चलता है तो उनका सैलरी कितना है, आपको आप लोग जानते होंगे कि उसका सैलरी क्या है। तो गाइस, मैं पहले एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे मेरे को 25,000 मिल रहा था 2018 में। 2018 में मेरे को 25,000 मिल रहा था और मैं जहां होलपेक का इंटरव्यू दिया था, मैं पहले होलपेक का बायोडाटा फॉर्म फिलअप किया था। 7-8 महीना के बाद मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू फेस करने के बाद 1 साल के बाद कंपनी में ज्वाइनिंग किया था।
इतना दिन मेरे को इंटरव्यू देने के बाद, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी कितना दिन वेट करना पड़ा था, और उस कंपनी के चक्कर में कितना साल से लगा रहा था, और उस कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए मेरे को क्या क्या नॉलेज रखना पड़ता था, मैं कैसे वीडियो देख देख के उसका एक एक पार्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में नॉलेज रखता था। तो गाइस मेरे को जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद एक साल के बाद मेरे को ज्वाइनिंग का लेटर आया। ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे को कंपनी कितना में ज्वाइनिंग किए, और आप लोग को पहले सैलरी चाहिए, ठीक है, सैलरी जानना जरूरी है, किसी को सैलरी जानना जरूरी है, किसी को पहले कंपनी ज्वाइनिंग करना जरूरी है। मैं जब कंपनी काम कर रहा था, जिस कंपनी में वहां मेरे को 25,000 मिल रहा था, वहां के सैलरी अभी भी मैं आप लोग को दिखा सकता हूं। वो कंपनी मैं जब ई कंपनी में मेरे को हो गया, होलपैक में मेरे को हो गया, तो वो कंपनी 25,000 का सैलरी मैं NOC दे के आया इधर कंपनी ज्वाइनिंग करने। यहाँ पे मैं 12,000 में ट्रेनिंग किया, एक साल मैं जहाँ 25,000 में कमा रहा था, उसको NOC दे दिया और 12,000 में कंपनी ज्वाइनिंग किया होलपैक का। अभी मैं कितना सैलरी पाता हूँ, तो इस सैलरी स्लिप के बारे में भी मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा सैलरी शीट के साथ। मैं आज सोचा रूम में हूं तो बहुत सारा कमेंट आता है सैलरी के बारे में, आपका सैलरी क्या है, जानना है, जरूरी है, लेकिन आप मेरे को कैसे सटल कर दो, या तो आप कैसे कंपनी में सटल हुए, इस बारे में नहीं पूछता है कि मेरे को भाई सटल कर दो कंपनी में, कि आप कैसे सटल हो गए कंपनी में, ये नहीं पूछता है, पहले सैलरी पूछता है। जिसको कमेंट करना नहीं आता है, जिसको स्पेलिंग नहीं आता है, उसको पहले सैलरी चाहिए। तो गाइस मैं जिस कंपनी में मैं 25,000 का सैलरी छोड़ के 12,000 में ज्वाइनिंग किया था, उस कंपनी में अभी चला रहा हूं होलपैक, उस कंपनी में होलपैक का ट्रेनिंग मैं 12,000 में किया हूं, 12,000 में ट्रेनिंग किया हूं एक साल, 25,000 का सैलरी छोड़ के, क्योंकि मेरे को यहां पे सेटल होना था। आज मेरे को कितना मिल रहा है इसका वीडियो में, इसका सैलरी शीट अगला वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि आज मेरे को कितना सैलरी मिलता है। पहले सैलरी चाहिए या तो पहले काम चाहिए, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जिसको एक्सपीरियंस है बहुत सारा, जिसको बहुत सारा नॉलेज है उसको पहले काम चाहिए, और जिसको अगर उतना नॉलेज नहीं है उसको पहले सैलरी चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस वाला होंगे और दिमाग वाला भी होंगे, बहुत सारा मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला भी होंगे, और कोई कोई होंगे जो उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखते होंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, पैसा का पीछे भागने से कभी पैसा को आप पकड़ नहीं सकोगे, कहीं भी आप टिक के काम करो पैसा अपने आप आ जाएगा। आज यहाँ 35,000 मिल रहा है तो वहां चला गया, कल वहां 40,000 मिल रहा है तो वहां चला गया, कल वहां 2 महीना काम करेगा 35,000 में चले जाएगा 40,000 में, 40,000 में 2 महीना काम करेगा और 8 महीना घर में बैठेगा। तो कहीं आपको ठीक सैलरी मिल रहा है तो वहां टिक के रहना चाहिए कि सैलरी के पीछे भागना चाहिए, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। तो गाइस ये मेरा होलपैक का पेमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।